नमस्कार दोस्तों, आज की एक घटना एक बड़ी दुखद घटना है। और मतलब क्या हम हरियाणा में पंजाबी परिवार अगर कोई रह रहा है तो क्या वो हरियाणा में नहीं रह सकता? क्या हरियाणा सिर्फ जाटों का है? क्या जाट लोग ही यहाँ पर रह सकते हैं सिर्फ? आज मिड टाउन मस्टर्न के पास में एक सिख फैमिली जो है वो खाना खाने गई, अपने किसी पारिवारिक फंक्शन में सिख फैमिली खाना खाने गई थी। और वहाँ पर कुछ चार लड़के जो शराब का सेवन जिन्होंने किया हुआ था और बुरे तरीके से शराब पी हुई थी, और उन्होंने परिवार की महिलाओं के साथ जो जितने भी महिलाएं थी उनके साथ बदतमीजी की। जब बदतमीजी के लिए रोका गया तो इस तरीके की बात करना कि जी हम यहाँ पे हरियाणा में आए, हम जाट हैं, तुम सरदार हो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? क्या अब सरदार लोग यहाँ नहीं रह सकते हरियाणा में? क्या अब ये जाट हमें बताएंगे कि जी हम कैसे रहे यहाँ पर? इतने बुरे तरीके से महिलाओं के साथ मारपीट की गई है कि आप मतलब अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये महिला हमारे साथ हैं, ये बताएंगे अपनी आप बीती, बताइए क्या हुआ था। हम लोग मिटन फ्रेंड में गए थे, मैं, मेरा ब्रदर, मेरा मेरे पापा जी, मेरी भाभी जो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, मेरी भतीजी। वहाँ पे कुछ लड़कों ने हमारे साथ बदतमीजी की जब हम खाना खा के बाहर आ रहे थे। मेरे ब्रदर ने उनसे रोज किया तो उन्होंने सबसे पहले दाढ़ी पकड़ी, पग उछाली और मारपीट की, इतनी बुरी तरह से मारपीट की। मेरी भाभी को धक्का मारा, प्रेग्नेंट थी जो। हम 40 साल में 43 ईयर की हरियाणा में रह रही हूँ, आज इतनी गुंडागर्दी देखी है कि दिल उठ गया, दिल करता आज ही हरियाणा छोड़ो। उसको शेयर करो उनकी इतनी हिम्मत। मैं वकील का लड़का हूँ, मैं वकील का लड़का हूँ, मुझे कैसे रोकोगे? तुम जाट है, हम जाट हैं। अरे जाट हो तो इंसान ना, इंसान ही हो गए तुम, तुम्हें माँ बहन से बात करने की तमीज नहीं है? क्या बात करते हैं माँ बहन से? किस बात पे मतलब बात क्या हुई थी, किस बात पे क्या हुआ? कमेंट्स किए उन्होंने हमें गलत, हमने उनसे कहा कि तमीज में रहो तो बदतमीजी पे आगे। मेरा ब्रदर आया तो उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने उसकी दाढ़ी खींची, हम अमृत धारी और दाढ़ी खोल के रखते हैं, उसने दाढ़ी खींची फिर उसकी पगड़ी गिराई। आप फोटो देखो, वहां का कैमरा देखो, गमले उठाए, मैं गिरी ब्रदर को बचाने के लिए, चारों के चारों गुंडे ऊपर। और होटल में से किसी सिंगल बंदे ने, वहां गार्ड ऐसे मरियर मरियर से गार्ड रखे हुए पीछे खड़े रहे, किसी ने फोन नहीं किया। मेरी भाभी ने फोन किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस वालों ने हमें पकड़ के ले गए 16 सेक्टर में। जब हम 16 सेक्टर पहुंचे तो वहां से वो गायब थे, बोले जी वो मेडिकल कराने गए, उनके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था और ना ही वो सिविल थाना सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे, वो सपरा में एडमिट हो गए। क्यों? वो कौन से बाप की औलाद है? चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, गुंडागर्दी करने का हक है क्या किसी को? कोई परिवार यहाँ रह नहीं सकता। ये महिला आप देखें, 7 महीने की महिला, प्रेग्नेंट महिला है, और इनके साथ भी मारपिटाई की गई है, इनके साथ भी बुरे तरीके से हाथापाई की गई है। क्या अब समाज, ये इस तरीके के समाज, इस तरीके के लोग पहुंच गए? रोडरेज की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन 16 सेक्टर चौकी का इंचार्ज, मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये बात कही कि जी आपका केस नहीं बनता, हम वो वहां सपरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। क्या पुलिस प्रशासन इस तरीके से नहीं सोच सकता? पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ रिश्वत खाने के लिए बैठे हैं वो लोग? अब जब मेरे हस्बैंड को, मेरी दीदी को और पापा को जब इन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू करा, मैं बीच में 20-50 से लेके उन्होंने मेरे पेट में लाते मारी, कोहनी मार के मुझे धक्का दे दिया पीछे। फिर उसके बाद वहां पे मैं गार्ड से बोलती रही कि कोई तो मदद कर दो, देखो आप लेडीज को मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, आप कोई भी हेल्प के लिए नहीं। वहां सब खड़े हुए देख रहे थे लेकिन कोई मदद करने नहीं आया हमारी। कभी नहीं आया, पुलिस ने फोन लगाया, वहां से भी 2 या 3 कॉल करने के बाद पुलिस आई है। पुलिस का क्या रवैया था आने के बाद? पुलिस का रवैया यही था, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाया, ले गए। ये नहीं कि खून और खून टेस्ट करते, कुछ टेस्ट नहीं करा कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। हमने बोला उन्होंने ड्रिंक करी, उन्होंने उनका मॉक टेस्ट भी नहीं करा, उसके बाद उनको ऐसे ही छोड़ दिया, थाने ले जाने के बाद उनको छोड़ दिया। मेरी पुलिस प्रशासन से डिमांड है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच करें, और ये जिस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं इन घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश करें, और इस तरीके से ये मतलब, और ये मिड टाउन मस्टर्ड के जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर किस लिए थे, क्या कर रहे थे वो? मिड टाउन के मालिक जो है मतलब सिर्फ क्या मतलब ये अपने पैसा कमाने के लिए वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, क्या कार को पार्क कराने के लिए रखे हुए थे? सिक्योरिटी गार्ड वहां पे किस चीज के लिए रखे होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड इसीलिए
कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो उन सिक्योरिटी गार्ड उन समस्याओं से निपटारा करे। ये सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ कार पार्क कराने के लिए, आप उनको कह रहे हैं उनको दिखा दिखा दो, इतने बुरे तरीके से मतलब आप किसी के साथ इस तरीके की हरकत करें। पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा मूक दर्शक बन के देख रहा है वहां पर, और मतलब कोई लड़कों ने जिस तरीके की हाथापाई करी है, जिस तरीके से जानलेवा कोशिश की गई है, लड़कों ने किसी तरीके उनका किसी भी तरीके से उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया, क्या चीजें सोचकर छोड़ दी गई, पुलिस प्रशासन इस बारे में ध्यान दे। और मैं सवेरे अपने सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ, मेरी आस्था फाउंडेशन की पूरी टीम इन सभी में के साथ है, और मैं सवेरे अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिड टाउन मस्टर्ड के बाहर धरना लगा के बैठेंगे कि शायद उनको अकल आए, इस बात की अकल आए उनको, किसी मतलब आपने ये रखे हुए सिक्योरिटी गार्ड वो देखने के लिए नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी करने के लिए है। मस्टर्ड होटल में मेरी आप सबसे अपील है, मस्टर्ड होटल में खाना खाने जाए तो आप अपने साथ में चार पांच अपने साथ बदमाश लेके चले, क्योंकि वो वहां पे जिस तरीके के लोग हैं वो वहां पे मस्टर्ड में चार पांच लोग अपने साथ लेके चले, ताकि आप वहां पे खाना खाने जाए तो आपका परिवार सेफ्टी वो कर सके। ना तो पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेगा, ना आपके सिक्योरिटी गार्ड मदद करेंगे, आपको खुद को मदद करनी पड़ेगी।